तो माय नेम संतोष, जो आप लोग देख रहे हैं हैप्पी डीआरएक्स व्लॉग। तो इस व्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बात ये है, तो बात आपकी दया से ये है यार, आपकी दया से, आपकी कृपा से मेरे 1000 चैनल हो चुकी है, फैमिली हो चुकी है। सब आप ही का चैनल की, ये सब आप ही का चैनल है और ये सब आप ही की बदौलत ही हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा चैनल है, ये सब ही आपकी वजह से हुआ है, आपकी ही कृपा है। तो थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, और थैंक यू इसलिए आप लोग इतना ही सपोर्ट करते रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आ रही है। आज है छोटी दीपावली, जिसे नरक चौदस कहा जाता है मेरी भाषा में, आपकी भाषा में क्या कहा जाता है जरूर बताएगा। वैसे अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मेट्रो स्टेशन, SPM है, तो मैंने कहा था शायद मेट्रो स्टेशन पर झालर लगाई जाए, तो ऐसा मैंने कुछ कहा था और लोग के फेक कमेंट आ रहे कि ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हुआ है, वो सच रहा है। तो अभी तो SPM पे, अभी हम लोग चलेंगे और आगे स्टेशन, अभी इसके दूसरी तरफ देखेंगे, फिर कल्याणपुर स्टेशन चलेंगे, उसके बाद RTO चलेंगे, देखेंगे किस में लग गई, किस में नहीं लगी, और देखते हैं अगर कुछ नया अपडेट मिल जाता है। तो वैसे यहाँ तो नहीं लगी, यहाँ तो लाइट LED लाइट भी नहीं जलाई गई है। आप तो लाइट की बात छोड़ दो, यहाँ पर तो LED लाइट भी नहीं जलाई गई है, तो वो बात अलग है। तो आइए हम लोग चलते हैं कहाँ, इसकी दूसरी तरफ देखते हैं कि लगा है लाइट कि नहीं लगी, फिर चलेंगे कल्याणपुर से लेंगे IIT। तो पूरी वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो को आगे तक देखिएगा और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। मैंने क्रैकर्स की वीडियो डाली हुई है YouTube पे, आप लोग जाके देख सकते हैं कानपुर में क्या रेट चल रहा है पटाखों का। जी हाँ, हमने वीडियो डाल दी है कि कानपुर में क्या रेट चल रहा है पटाखों का, तो आप एक बार जाके आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कैसी वीडियो बनी है कैसी नहीं बनी है। और अगर आपको अच्छी लगे तो यार एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर बेल आइकन का बटन दीजिएगा। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसलिए क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती है। कानपुर से हो तो पक्का कर लेना, अगर विदेश से हो तो कानपुर में क्या क्या हो रहा है उसका भी अपडेट रखना चाहिए कि शहर में क्या क्या हो रहा है। तो बाकी घूमने वूमने की वीडियो बनती रहती है, तो अभी दीपावली की वीडियो आएगी उसकी आप लोग चिंता मत कीजिए। देखिए अभी भी मैं दूसरी तरफ चल रहा हूँ, और जब मैं इधर जाऊँगा तो भी मैं दूसरी तरफ चलूँगा। तो ये मेरा कुछ खास आदत है कि हम चलते हैं दूसरी तरफ। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यार SPM की लिफ्ट लग गई यार, SPM पे भी लग गई लिफ्ट दूसरी तरफ। जी हाँ, SPM पर भी दूसरी तरफ लिफ्ट लग गई, तो मैंने कहा आपको वो भी क्यों ना दिखाई जाए। तो आइए पहले वो दिखा देते हैं आपको, फिर लाइटिंग और बात करेंगे। तो सामने SPM की वीडियो मैं रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन हल्के चलते चलते आपको अपडेट देता रहूंगा, और ये मेरी खास आदत है अपडेट देने की। तो ये देखिए मेरे सामने से, मैं इसको एकदम ले आया हूँ, तो सामने से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है SPM मेट्रो स्टेशन का, जो कि आपको भी दिख रहा होगा हल्का सा। यहीं से आपको हम जून कर देंगे, क्योंकि आप आगे जाएंगे तो बिल्कुल उल्टे साइड हो जाएगा, आगे कट भी नहीं दिया गया है। तो देखिए पहली बात, यहाँ लाइटिंग नहीं लगी, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर लिफ्ट लग चुकी है, पैर वाली जहाँ पर रखते हैं वो भी लग चुका है, स्टील की ग्रिल भी लगा दी गई है, ऊपर छत भी जल्द से जल्द पड़ जाएगी, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अभी मैं आपको बताऊं, आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताना, जो यहाँ पे स्टील ग्रिल लगी ऊपर, यहाँ पे जो बीच में जगह है यहाँ पे पेंट किया जाएगा कि पेंटिंग लगेगी, इसका आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी तो हमको पता है आपकी कमेंट काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, उसकी हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ, फिर वहाँ से गाड़ी मोड़ लूँगा, क्योंकि यार ज़्यादा उल्टी साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो लगाया गया है ये, यार पता नहीं क्या लगाया गया, अगर आपको पता हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है, क्योंकि हमको तो नहीं पता ये क्या है, अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, यही इसका टाइटल भी है, ये क्या है। तो अगर आपको पता है ये क्या है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको हल्का जुम्मन करके कहता हूँ। ये देखिए लोहे का लगाया गया है, तो जहाँ तक हमको नहीं पता क्या है, क्या है बिल्कुल भी हमको जानकारी नहीं कि ये क्या है। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है इसके बारे में तो यार प्लीज़ एक बार बताइएगा जरूर। और लाइटिंग नहीं लगाई गई, मैं शुरुआत में लाइटिंग की बात कर दी थी, लाइटिंग नहीं लगाई गई है। और बता दूं कि IIT के सब वर्कर चले गए घर से, आज से कार नहीं होगा बिल्कुल भी IIT पर, किसी भी स्टेशन पर कार नहीं होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं क्यों चाहता हूँ, UP में आता है दिवाली छुट्टी मनाया जाएगा कि नहीं जाएगा वर्कर, तो वर्कर को छुट्टी मिल गई, यही बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम वर्कर को छुट्टी दे दी गई टाइम से, क्योंकि यार टाइम से छुट्टी मिल जाएगी तो सब लोग जो अपने गाँव जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा गाँव में, यहाँ पर सब काम होता रहेगा और वहाँ पर फैमिली उनकी अकेली रहेगी, तो ये थोड़ी सी बात खराब रहेगी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं कहाँ, अपने कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो अभी तो मैंने खाली आपको इसी वो चीज़ दिखाई है कि ये क्या है, भाई अगर आपको पता है ये क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे हमको तो काफ़ी अच्छा लगता रहता है
आप कितने हमको सपोर्ट करते हो, इतना वो करते हो, अप्रिशिएट करते हो। कोई लोग तो गलत गंदे कमेंट करते हैं और कोई लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं। काफ़ी दिन से विवेक सर ने कमेंट नहीं किया है, तो अगर विवेक सर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार एक बार कमेंट कर दिया कीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, और कोई बीजेपी से भी एक देखता नेता मेरा अगर वो भी कमेंट करता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, अप्रिशिएट मिलती है कि हाँ कम से कम अच्छे अच्छे लोग देख रहे हैं, कमेंट करते हैं। और जो कमेंट गंदे कमेंट करते हैं कृपया करके गंदे कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट नहीं करते तो बड़ा ख्याल रखूँगा। आजकल क्या है किसी वीडियो में कोई कमेंट नहीं आ रहा है, तो हमने एक बार कहा था कि गंदे कमेंट मत किया करो, लेकिन भाई आपसे हाथ जोड़ विनती है आप कमेंट करो, चाहे वो गंदे हो चाहे जैसे हो, हमें उसका मतलब नहीं पड़ता। अगर कमेंट करते हो तो हमको काफ़ी अच्छा लगता है कि कम से कम हाँ कम से कम कोई मेरी वीडियो देख रहा है, भाई वो कमेंट भी कर रहा है, चाहे वो हमको गंदे कमेंट का मतलब समझे आप बताते हैं आपकी ये गलती है कि सर आपने ये नहीं बताया, सर आपने ये नहीं बताया, तो मैं वो पूरी कोशिश करता हूँ कि ये बताने की। तो हमको काफ़ी अच्छा लगता रहता है। अगर आपको कैसा लगता है आप ही कमेंट करके बताएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो किस रीज़न सब्सक्राइब किया है एक बार ये बता दीजिएगा। आप लोग कानपुर मेट्रो के सब्सक्राइब किया है कि डेली ब्लॉग से सब्सक्राइब किया है कि मैं डेली मेहनत करता हूँ उसके लिए सब्सक्राइब किया है, किस बात के लिए सब्सक्राइब किया है एक बार अगर आप लोग बता देंगे तो हम थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। और अगर आपसे हाथ जोड़ के विनती है मैं जल्द से जल्द 2K करा दो, 2000 के मतलब 2000 के नहीं 2K करा दीजिए, जल्द से 2000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, थैंक यू रहेगा। तो वैसे भी हम लोग चल रहे हैं अपने कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन, जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं क्या है, लाइटिंग लगी है क्या नहीं लगी, वहाँ पर भी ऐसा सिंबल लगा है क्या, मतलब अगर जैसे कि SPM पे लगा है तो शायद होता है कल्याणपुर में भी लगाओ, तो चल के चेक करते हैं कि कल्याणपुर में ऐसा सिंबल दिया है कि। मैं आपको एक खुफिया रास्ता बताता हूँ चलने के लिए, क्योंकि यहाँ से जाओगे तो भीड़ लग जाएगी और जाम भी लग जाएगा और फंस जाएंगे, कम से कम आधा से एक घंटा बर्बाद हो जाएगा हम लोगों का। तो खुफिया रास्ता ये है कि हम लोग यहाँ से कट से ले लेंगे धीमे से, कट में यहाँ पर कम जाम मिलेगा और यहाँ पर लगा है खुफिया रास्ता, बेकार हो गया मेरी, यहाँ पर भी जाम लगा हुआ है यहाँ पर लेकिन ज़्यादा लगा हुआ है। आप क्या कहते हो आज यहाँ चलते हैं, आज यहाँ पर एक मिनट का जाम है, वहाँ पर आधे घंटे का जाम है। तो आप लोग सोचिए, मैं आपको खुफिया रास्ता भी दिखा देता हूँ आगे कि ये इंद्रनगर मोड़ है और यहाँ पर पटाखे मंडी भी लगी हुई है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। सीधे हम लोग यहाँ से रास्ता पार करते हैं, सीधे मिलते हैं कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन पे। मैं आपको बता दूँ मैं फिर से उल्टी साइड आ गया हूँ, अभी मैं खड़ा हूँ कहाँ पे हूँ, हल्का तो मैं सत्यम के पीछे हूँ, सत्यम के बराबर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, उल्टी यहाँ से चला भी रहा हूँ, कितना रिस्क ले रहा हूँ सिर्फ सिर्फ आपकी वजह से रिस्क ले रहा हूँ, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। रिक्स में लेते हुए वीडियो बनाने का अलग ही मज़ा आता है। और देखते हैं यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर सामने से तो झालर नहीं लगी है, लेकिन देखते हैं इसमें ये क्या है कि नहीं है, ये क्या का मतलब, अगर आप वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं तो आप जानते होंगे ये क्या क्या है, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप नहीं जानते होंगे कि ये क्या 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 है। तो पहले मैं आपको अपडेट दे दूँ कि यहाँ पर झालर नहीं लगाई गई है, उसका आप चिंता मत कीजिएगा। दूसरा देखते हैं ये क्या क्या है, यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो यहाँ के शायद वर्कर्स नहीं गए हैं घर, अपने गांव अपने नहीं गए हैं, तो यहाँ पे ये क्या क्या नहीं है, जी हाँ यहाँ पे ये क्या नहीं दिया गया है। देखिए जैसा कि मैं आपको बता जूम कर दिखाता हूँ, हल्का लाइट हल्का सा अंधेरा हो चुका है, बस यहाँ पे इतना ही देखना था कि ये क्या है कि नहीं है, यहाँ पे ये क्या नहीं है। अब चलते हैं IIT में, जहाँ तक हमारे दस ये क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर झाला इस तरफ तो नहीं लगाई गई है, अब भाई उस तरफ भी चल के देख लेते हैं, झाला लगाई गई कि यहाँ पे लग चुकी, लेकिन ये घर है इसके घर में लगा दी गई झाला है। और यहाँ से पीछे से भी देख लेंगे, जब वहाँ से लौटते हुए आएंगे IIT धोते हुए तो देख लेंगे, अगर अभी हम घुमाएंगे थोड़ा टाइम हो जाएगा और रुकना पड़ेगा, वैसे भी अंधेरा होगा। तो मैं आपको जल्दी से IIT का भी नज़ारा दिखा देता हूँ कि वहाँ पर झाला लगी, वैसे मैं आपको ऐसे चलते चलते बता रहा हूँ यहाँ पर झाला नहीं लगी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि नहीं लगी है। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, इसे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं सब घर जाने के लिए। हाँ सुनो, जब मेट्रो से मेट्रो में कितनी भीड़, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग चाहे आप लोग काफ़ी लोगों को कमेंट आ रहा था कि अगर मेट्रो पे आप वीडियो बनाते हो, अगर मेट्रो कंप्लीट हो गई, बन गई, ख़त्म हो गई, मतलब बन गई फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, तो भैया अभी मेट्रो को बनने में पूरा एक साल लगेगा, सभी मेट्रो को बनने में पूरा एक साल लगेगा, और एक साल का मतलब है 365 दिन, तो 365 का मतलब है 365 वीडियो, जी हाँ 365 वीडियो आएंगी, लगातार ब्लॉग देते हैं, कल दीपावली है फिर भी ब्लॉग आएगा, कल ब्लॉग किसका आएगा कि वर्कर्स आएंगे नहीं, अभी कल्याणपुर में वर्कर्स पकड़े गए हैं, वहाँ पे काम हो रहा है और IIT पे चल रहे हैं, वहाँ पे SPM में तो कतई वर्कर नहीं थे, बस खाली सिक्योरिटी गार्ड थे, तो सिक्योरिटी गार्ड का तो रहना भाई वाजिब है, क्योंकि यार उनका काम ही थोड़ा अलग होता है, उनको पता करना होता है कि यार कोई चोर घुस ना जाए, या हमारे जैसा कोई यूट्यूबर
अंदर जाकर वीडियो ना बना ले और ट्रैक पे ना चला जाए, उनसे किसी गलती ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आ चुके हम लोग हैं और देखेंगे अपना IIT मेट्रो स्टेशन में तो भी नहीं लगी झाड़, लेकिन यहाँ झाड़ लगा दी गई है, यहाँ झाड़ नहीं लगाई गई है। अभी हम लोग पूरा घूम के आएंगे और देखेंगे ये क्या यहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है, ये क्या यहाँ पर लगा है। लगा तो कल्याणपुर में भी होगा, लेकिन खुलेआम नहीं लगा, छिपा के लगाया गया, मतलब ऐसा लगाया गया जहाँ पे हम लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो मैंने अभी बत्ती, मैं स्कूटी चला रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बत्ती नहीं खुली है। तो अभी भी बिल्कुल हमने इसकी लाइट जलाई है और लाइट जला के मैं चला रहा हूँ स्कूटी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अपना दीपावली से भी लोग ध्यान लगाते हैं, तो हमको लगा शायद भाई IIT में कुछ ऐसा रूल आया हो कि भाई, क्योंकि देखो IIT या मेट्रो स्टेशन भी अपना घर है, ठीक है, तो यार घर का मतलब होता है लगाना सजाना। तो हमको लगा कि भाई यार इतने अच्छे होंगे मेट्रो वाले कि भाई झालर लगा देंगे, तो भाई लेकिन झालर नहीं लगाई गई, ये थोड़ी दुख की खबर है। और देखते हैं यहाँ पर ये क्या है कि नहीं है। तो तीनों स्टेशन में देख लिया, यही तीन स्टेशन मेन है, तो गुर्दे में तो कतई नहीं लगाई जाएगी, और यहाँ पर तो लगाई जाती तो गुर्दे में भी लगने की संभावना थी। वैसे मैं आपको बता दूँ ये क्या यहाँ पर लगा है, तो मैंने देख लिया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो भी धीमे से एकदम। ये देखो, ये देखो लगा है, आपको दिख रहा होगा लोहे का एकदम चैम्बर टाइप का बनाया गया, ये क्या लगा हुआ है। और यहाँ पर ये क्या लगा, यहाँ पर दो लिफ्ट जो है कंप्लीट हो चुकी, मैं आपको हल्का सा पीछे दिखाने की कोशिश करता हूँ, दो मिनट के आगे वाहन आ गया था, मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर लगा दी गई है लिफ्ट, और वो भी बेहतरीन तरीके से, मतलब पूरी कंप्लीट कर दी गई लिफ्ट यार, बेहतरीन, जबर, माशा अल्लाह, वल्लाह, जो कहना चाहो वो कंप्लीट है। और अभी हम लोग चल रहे हैं कहाँ, ये कल्याणपुर को देख लें लगी है कि नहीं, पीछे की तरफ आएंगे तो आपने देख ही ली है, हमारी बात का विश्वास करेंगे नहीं जब तक हम आपको दिखाएंगे नहीं, तो हम भी कम नहीं आपको दिखा के रहेंगे। तो हम 365 लगातार वीडियो बनाएंगे, ऐसा नहीं है, तो 365 तो नहीं यार, कम से कम 365 नहीं तो 200 वीडियो आनी है इस साल, फिर से ये साल के अंदर फिर तो 200 वीडियो आएंगी, और मेट्रो की ही आएंगी, और थोड़ी सी कंटेंट का भी मैं बदल के डाल देता हूँ, वो आपको पसंद नहीं आता, लेकिन आप उसको भी सपोर्ट कीजिए और वीडियो देखा के, क्योंकि काफ़ी अच्छा था, पटाखे की वीडियो डाली आपने, कंटेंट कतई नहीं पसंद किया, उसको पसंद कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कीजिएगा। देखो अभी सामने है कल्याण मेट्रो स्टेशन का पेंटिंग का नज़ारा, और लेकिन यहाँ पर झालर नहीं लगाई गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आइए हम लोग चलते हैं, इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बस सब्सक्राइब कर जाएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ऐसे ही मेरे यार वीडियो देखने के, थैंक यू वीडियो वाचिंग, बाय बाय।